उनसे नाइक प्रो का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट मंगवाए। Over the edge, feel like I'm floating through the air. यहाँ पर है मैंने मंगवा फ्लेवर, अभी यहाँ पर टोटल 858 रेटिंग है, इसको देख लेते हैं लोगों ने क्या रेटिंग दिया है। यहाँ पर आउट ऑफ 5 4.1 रेटिंग है। इसके बारे में हम रिव्यूज़ पढ़ लिखते हैं, हम टॉप रिव्यूज़ नहीं देखेंगे, मोस्ट रिसेंट देखेंगे लोगों ने क्या दिखा है। उसे अनबॉक्सिंग करने से पहले समझ लेते हैं भाई क्रिएटिन के बेनिफिट्स क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, बिगिनर्स के लिए कितना डोज सफिशिएंट है क्रिएटिन लेना, क्या क्रिएटिन का आपको साइकिल लेना चाहिए और क्रिएटिन आपको कब लेना चाहिए। इज द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर मसल्स गेनिंग। अगर आप मास मसल्स गेन करना चाहते हैं तो क्रिएटिन सबसे अच्छा सप्लीमेंट है, क्योंकि ये चीपी सप्लीमेंट है। और दूसरी बात करते हैं इसकी साइड इफेक्ट के बारे में। अगर वाटर इंटेक आपका कम है तो भाई आपके किडनी फेलियर होने के चांसेस है और आपके किडनी में सूजन आ सकता है। गाइज आप बात करते हैं क्रिएटिन का साइकिल क्या होना चाहिए। देखिए आपको 3 महीने तक क्रिएटिन कंज्यूम करना है, उसके बाद 1 महीने तक गैप देना है, फिर उसके बाद आप कंज्यूम कर सकते हो। भाई हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन है, लीवर है, किडनी है, उनको भी रेस्ट चाहिए होता। अगर आप अपनी बॉडी में डालते रहोगे वो फिल्टर करते रहेंगे, भाई कभी तो उनको रेस्ट चाहिए, इसीलिए आपको 1 महीने का गैप जरूर देना है। और आपको दिन में 4 से 5 लीटर पानी जरूर पीना है, वरना क्या हो सकता है आपके किडनी फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं और किडनी में सूजन आ सकता है। बात करते हैं बिगिनर्स को क्रिएटिन कितना लेना है। भाई बिगिनर्स हो तो आपको 3 ग्राम ही क्रिएटिन लेना है। अगर आप इंटरमीडिएट है तो 5 ग्राम क्रिएटिन ले सकते हैं। अगर एडवांस लेवल के हैं तो आप 10 ग्राम तक जा सकते हैं, लेकिन आपको पानी का इंटेक ज्यादा रखना है। भाई अब बात करते हैं क्रिएटिन आपको कब लेना है। क्रिएटिन को आप प्री वर्कआउट में भी यूज कर सकते हैं और पोस्ट वर्कआउट में भी यूज कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आपको पोस्ट वर्कआउट में 3 ग्राम अपने वे प्रोटीन के साथ ऐड करना है, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए प्री वर्कआउट सप्लीमेंट अगर आप यूज करते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी क्रिएटिन होता है, इसीलिए आपको एडिशनल ऐड करने की जरूरत नहीं। ये तो समझ लिया भाई हमने क्रिएटिन के बेनिफिट के बारे में, उसके साइड इफेक्ट के बारे में और कितना डोज सफिशिएंट है। अब करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं भाई ये जो मैंने ब्रांड मंगवाया है नाइक प्रो का, क्या ये सही में सही है कि नहीं है। चलिए गाइस देखते हैं। तो भाई कर लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग। ऐसा इसका पैकेजिंग आता है, ठीक है। ये भाई इसका पैकेजिंग है, इस तरह से ये पैकेजिंग आता है। Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट अमेजोन से मंगवाया, ये अनफ्लेवर है। यहाँ पर 83 सर्विंग है, यानी कि आपके 3 महीने आराम से चला जाएगा। और यहाँ 3 ग्राम क्रिएटिन पर सर्विंग है। नेट वेट जो है 250 ग्राम है, इसको डिवाइड बाई करोगे 3 ग्राम से तो आपको 83 सर्विंग मिलेगी। ये मुझे पड़ा था 630 रुपीस का। यहाँ पर MRP बता रहा है आपको 664, मुझे 5% डिस्काउंट के साथ ये 630 में मिला। यहाँ पर है मैंने अनफ्लेवर, अभी यहाँ पर टोटल 858 रेटिंग है, इसको देख लेते हैं लोगों ने क्या रेटिंग दिया है। यहाँ पर आउट ऑफ 5 4.1 रेटिंग है। इसके बारे में हम रिव्यूज़ पढ़ लिखते हैं, हम टॉप रिव्यूज़ नहीं देखेंगे, मोस्ट रिसेंट देखेंगे लोगों ने क्या दिखा है। यहाँ पे विशाल भाई ने लिखा है फास्ट रिजल्ट, यहाँ पे लिखा डू नॉट वेस्ट योर मनी, यहाँ पे लिखा भाई बेस्ट है, फिर लिखा गुड प्रोडक्ट, फिर लिखा यूजिंग फ्रॉम 2 मंथ इट्स वर्किंग बट नॉट टू मच इफेक्टिव, यहाँ पे लिखा है वेस्ट ऑफ मनी टेस्ट एंड फूल, यहाँ पे लिखा गुड और यहाँ पर नाइस। ओवरऑल 5 रेटिंग में से इसको वैल्यू फॉर मनी दिया है 4.1, बिगिनर्स के लिए 4.0, फ्लेवर के लिए दिया है 3.5 ग्राम। अब जाते हैं हम नेक प्रो की ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पर नेक प्रो का जो अनफ्लेवर है यहाँ पर 699 है भाई, इससे अच्छा तो अमेजोन में मिल रहा है। ये खुद की वेबसाइट में भी इतना महंगा दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये मेड इन इंडिया ब्रांड है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर
फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।